अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इसरार। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कूलर में रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह अंदर दिखा दे रहा हूँ। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये लीड है। ये देखिए, ये लीड है। और उसके बाद आपका ये तारे हैं इसकी, पंप की, और ये मोटर की। इस जिसमें से मैंने पहले भी बताया था कि एक ये लीड की तार, एक पंप की तार और एक मोटर की तार, तीनों आपस में यहाँ पर जोड़ा हुआ है। और बची अब एक एक तार, तो तीनों की एक एक तार ये बाहर जा रही है। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देखिए, ये एक मोटर की तार है और एक ये पंप की तार है और ये लीड की एक तार है। अभी तीन तार यहाँ आई है, तीन तार पीछे जुड़ी है। आप देख सकते हैं इस तीनों में से, ये देखिए, ये देखिए, ये रेगुलेटर है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये रेगुलेटर आप देख रहे हैं, फैन और पंप लिखा हुआ है। अब इसका कनेक्शन आप देखिए, ये देखिए, ये 1000 वाट का रेगुलेटर है और ये जिसी मोटर अंदर लगी है कूलर की, ये स्विच है। ये देखिए, एक तार ये पंप की है, ग्रीन वाली, आप देख सकते हैं, ये यहाँ नीचे पॉइंट पे जुड़ी हुई है। और एक तार ये लीड की आई हुई है, ये देखिए, ये लीड की, ये तार, ये देखिए, ये लीड की तार है लाल वाली, ये यहाँ पर जुड़ी है। और रेगुलेटर की एक तार, रेगुलेटर की, ये रेगुलेटर और लीड की एक तार दोनों मिला करके यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब ये स्विच में भी करंट है और रेगुलेटर में भी करंट है। मेन, ये मेन का आया हुआ है, देखिए, मेन प्लग से जो आता है वो मेन आया हुआ है। अब यहाँ से जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे, आप देखिए, ये बटन ऑन करेंगे, ये वाली, ये बटन ऑन करेंगे, पंप चल पड़ेगा। ये देखिए, आवाज़ आई हल्की सी, पंप चला था, बंद कर दिया। अब उसके बाद में ये रेगुलेटर कैसे काम करता है, देखिए, यहाँ से करंट इस रेगुलेटर में आ गया, ये स्विच इस तार में। अब फिर यहीं से ये पास होगा। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये सीरीज बंद करके जाता है, इसमें से ये रेगुलेटर की जो दो तारे हैं आप देख रहे हैं, ये दो तारे हैं, इसमें कभी न्यूट्रल और फेस मत जोड़ देना, वरना 1 सेकंड लगेगा, ये रेगुलेटर आपका उड़ जाएगा। तो जो करंट का दो तारें होती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, एक तार तो पीछे ही मैंने बताया कि जोड़ा हुआ है तीनों का मिला करके, इसका लीड का, एक पंप का और एक मोटर की, हवा वाली मोटर की, वो तीनों पीछे एक एक जुड़ा हुआ है। अब बेची एक एक है, एक में से एक ये तार पंप की आ गई, ये देखिए, पंप की इसमें स्विच में जुड़ गई, और दूसरी तार ये आपकी रेगुलेटर में आई हुई है, देखिए, रेगुलेटर के साथ यहाँ कनेक्ट किया गया है। देखिए, ये देखिए, ये रेगुलेटर के साथ ये कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, और यहाँ से मेन लीड की तार ये आई हुई है, यहाँ पर जोड़ा गया है। इसमें से ये देखिए, इसमें भी आ गया करंट, इसमें भी आ गया। अब जैसे ही बटन ऑन करेंगे, देखिए, अब दोनों में करंट है, इस रेगुलेटर में भी करंट है, इसमें भी करंट है। कहाँ पर? अभी यहाँ पर अंदर में है और यहाँ पर। अब ये मोटर को देने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये बटन चालू करेंगे तो मोटर में चली जाएगी, और रेगुलेटर चालू करेंगे तो, अब देखिए, ये मैंने चालू कर दिया रेगुलेटर। अब देखिए, पंखा हल्का हल्का घूमना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब मैंने स्लो पर अभी रखा हुआ है, ये देखिए पंखा, अब ये स्लो स्लो घूम रहा है, ये देखिए, अब स्लो स्लो घूम रहा है, अब इसको हमने तेज करना है। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, हम इसको हल्का घुमा रहे हैं, ये देखिए, तेज होते जा रहा है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, बहुत तेज, ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए, ये पूरा फुल स्पीड में चल रहा है, और देखिए, इस नेम प्लेट को भी उड़ाए दे रहा है, ये देखिए, उसको अब मैं स्लो करता हूँ, ये देखिए, ये स्लो हो गया, जितना चाहिए उतना स्लो कर लीजिए। इसका कनेक्शन ऐसे ही है दोस्तों,
आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने अभी मेरे दूसरे वीडियो को देखा था जिसमें मैंने कूलर वायरिंग बताया था, तो उसमें कमेंट किया था कि रेगुलेटर और पंप की वायरिंग कैसे होती है। तो दोस्तों मैंने ये बता दिया आपको, रेगुलेटर और पंप की दोनों का कनेक्शन अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया और कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।